नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करंट की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपको समीक्षा अधिकारी मेंस आरओ या आरओ आरओ हाई कोर्ट और पीसीएस 2019, तो पीसीएस 2019 तक एक करंट की सीरीज चलती रहेगी और करंट का रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहेगा। अभी हम लोग इम्पोर्टेंट एक पार्ट वन दे रहे हैं जिसमें सितंबर की न्यूज है, तो लगभग सितंबर के पहले की न्यूज है, सितंबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसके पहले की न्यूज़ स्पोर्ट्स वगैरह की एक साथ बना देंगे। तो आप लोग रेगुलर देखिएगा अगर पीसीए 2019 और इन एग्जामों को आपको क्वालिफाई करना है। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का 130वां स्थान है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है, तो नॉर्वे की है, फर्स्ट रैंक नॉर्वे की है। इसे जारी कौन करता है, तो उसको यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये स्कीम जारी करते हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि भारत के सार्क देशों में क्या पोजीशन है, तो देखिए सार्क देशों में केवल श्रीलंका और मालदीव भारत से ऊपर हैं, श्रीलंका और मालदीव, यही दो देश सार्क देशों में ऊपर हैं। अब यहां से क्वेश्चन ये बन जाता है कि ब्रिक्स देशों में भारत की क्या पोजीशन है, तो ब्रिक्स देशों में भारत की सबसे नीची पोजीशन है, इसका मतलब रूस, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये सभी भारत से ऊपर हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है 2+2 डायलॉग, तो 2+2 डायलॉग कहां हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, किनके बीच हुआ, अमेरिका और भारत के बीच हुआ। 2+2 इसलिए बोला गया कि भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, दो दो लोगों के बीच समझौता हुआ है। भारत की रक्षा मंत्री आपको विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री सीतारमण, निर्मला सीतारमण। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं माइक पैम्पियो और रक्षा मंत्री हैं जिम मैटिस। तो इनका नाम देखिए, माइक पैम्पियो जनरली लोग जानते हैं, जिम मैटिस का नाम भी पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत जो समझौता हुआ उसका नाम है काम कासा समझौता, इतना क्वेश्चन इससे आ सकता है। फिर LGBTQ समलैंगिकता को कानूनी आधार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया धारा 377, तो ये क्वेश्चन आता है जो पीसीएस में आ चुका है। दूसरा एक क्वेश्चन मुझे लगता है, इनका जो फ्लैग होता है समलैंगिकों का, उस फ्लैग का नाम है रेनबो, इंद्रधनुषीय झंडा, रेनबो फ्लैग। प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम लॉन्च हुई 23 सितंबर रांची से, इसके अंतर्गत 10.7 करोड़ परिवारों को सुरक्षा दी जाएगी 5 लाख रुपए की बीमा की, और 13,000 हॉस्पिटल इसमें नामांकित किए गए हैं। ये विश्व में अपने आप की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है भारत की, प्रधानमंत्री जन आरोग्य या आयुष्मान भारत। इसके बाद आता है पीएम आशा। पीएम आशा योजना उन फसलों के लिए है, किसानों के लिए, जिन फसलों पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता, क्योंकि आपको मालूम है कि सरकार सारी फसल तो खरीदती नहीं, और सरकार एक चीज और याद रखिए कि सरकार हमेशा न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम पे फसलों को खरीदती है, कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदती है। 2022 तक दोगुना करना है स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की सिफारिश पे। पीएम आशा में हम उन फसलों की भरपाई करेंगे, सरकार उन फसलों की भरपाई करेगी जिसपे किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम लाभ हो रहा है, कम लागत मिल रही है। देखिए FDI, विदेश से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सबसे ज्यादा मॉरिशस का देश में हो रहा है, और नंबर दो पे सिंगापुर है। तो मॉरिशस तो नॉर्मल हो गया, सबको याद रहता है, लेकिन सिंगापुर याद रखिएगा। सबसे ज्यादा निवेश सर्विस सेक्टर में हो रहा है, सेवा में, और नंबर दो पे मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण में सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है। कुछ बैंकों का भी आपस में विलय कर दिया गया है, तो उसमें देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया है। मालदीव, जिसमें अभी काफी राजनीतिक उथल पुथल रही, उसके इलेक्शन में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं इब्राहिम साले। तो याद रखिएगा, साले और इराक के राष्ट्रपति चुने गए सालिह, तो दोनों में डिफरेंस है। दीनदयाल हस्तकला संकुल, इसका आयोजन वाराणसी में किया गया,
पूछा गया है क्वेश्चन और पूछा जाता रहेगा। हवा में पहली बार ईंधन का परीक्षण, हवा में पहली बार ईंधन का परीक्षण तेजस में किया गया। हवा में ही ईंधन भरा गया तेजस। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब कुछ हम लोग महत्वपूर्ण किताबों की बात करेंगे। ऐसे ही आपको अलग अलग वीडियो में कुछ किताबें देते रहेंगे, आप उसको तैयार करते रहेंगे। द रूल ब्रेकर्स प्रीति सिनॉय, द रूल्स ब्रेकर प्रीति सिनॉय, 281 एंड बियॉन्ड बीबीएस लक्ष्मण की बुक है। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की बुक है, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। अटल जी ने कहा इसके राइटर है विजेंद्र राही, तो अटल जी पे भी इसमें महत्वपूर्ण है किताबें। और अगली है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स की बुक है। और ये क्वेश्चन इस साल अगले साल हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। तो कुछ हम लोग डे की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण डे सितंबर महीने की कुछ महत्वपूर्ण डे की बात करें तो 16 सितंबर ओजोन डे। ओजोन डे की थीम याद रखनी है कीप कूल एंड कैरी ऑन। ओजोन डे की कीप कूल एंड कैरी ऑन, इसकी थीम है, महत्वपूर्ण है। और 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है। तो ये दो 8 सितंबर के महीने के ये दो डेट है जो कि महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ किताबें हैं, ये कुछ डेट हैं। ऐसे ही हम लोग और वीडियो में आपको नई नई न्यूज देते रहेंगे और पीसीएस प्री तक आपको ये कोर्स पूरा कराएंगे। आगे हम लोग न्यूज देखते हैं। सबरीमाला विवाद जो कि अभी भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें 10 से 50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और ये किस भगवान का मंदिर है। तो ये भगवान अयप्पा का मंदिर है। नेपाल सरकार ने पर्यटन के रूप में सद्भावना दूत जयाप्रदा को बनाया है। जयाप्रदा नेपाल की पर्यटन सद्भावना दूत नियुक्त की गई है। बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम को बनाया गया है। मैरी कॉम पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 6 गोल्ड जीते हैं। चांद पर जाने वाला पहला प्राइवेट पैसेंजर, जो चांद पे पहला प्राइवेट प्लेन जाएगा उसका पहला पैसेंजर होगा यूसाकु माइजोवा। तो ये याद रखिएगा कि ये जापान के हैं, इनके नाम को आप ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे, यूसाकु माइजोवा। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास। तो परमाणु आयोग का जो सचिव होता है और जो अध्यक्ष होता है दोनों एक ही होते हैं, कमलेश नीलकंठ व्यास। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री तो सब जानते हैं इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं। 46वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गगोई हैं। इससे पहले असम हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए थे। न्यायमूर्ति ताहिरा सफदर ये पाकिस्तान की पहली महिला है जो किसी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है। बलूचिस्तान उच्च न्यायालय की ये मुख्य न्यायाधीश बनी है, न्यायमूर्ति ताहिरा सफदर। नए प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के हैं स्कॉट मॉरिस। नए प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के हैं स्कॉट मॉरिस। अन्ना राजा मल्होत्रा जिनका देहांत हुआ, ये आजादी के बाद पहली आईएएस महिला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु कैडर की थी। देश की पहली बायोफ्यूल फ्लाइट, मतलब जैव ईंधन से चलने वाली पहली फ्लाइट, पहला विमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली से देहरादून के बीच चली, दिल्ली से देहरादून। वोस्तोक युद्धाभ्यास, तो वोस्तोक युद्धाभ्यास रशिया में हुआ, साइबेरिया प्रांत में, जिसमें 3 देशों ने भाग लिया, रसिया, मंगोलिया और चाइना ने। इस युद्ध को ईस्ट 2018 के नाम से जाना जाता है। ये रसिया का अभी तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, इससे पहले 81 में हुआ था, जिसको वेस्ट 81 के नाम से जाना जाता था। कुछ खेल पुरस्कार और खेल से संबंधित न्यूज की बात कर लेते हैं।
जो कि पूछी जाएंगी। राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार दो लोगों को मिला, मीराबाई चानू, तो ये भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, और दूसरे विराट कोहली क्रिकेटर हैं। अर्जुन पुरस्कार में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हमें कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे नीरज चोपड़ा, जिनसन जॉनसन, हिमा दास, ये तीनों एथलीट्स हैं, तीनों एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीते हैं, इसलिए और महत्वपूर्ण है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक के हैं, जिनसन जॉनसन एथलीट हैं, और हिमा दास भी एथलीट हैं। क्रिकेट में, महिला क्रिकेट में इसमें स्मृति मंधाना जो कि बहुत फेमस है, इनको मिला है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनके नाम पूछे जाएंगे, सबके नाम नहीं याद रखने। एशियन गेम की बात करते हैं, तो एशियन गेम इंडोनेशिया में हुआ, और अगला एशियन गेम चाइना में होगा। थीम थी एनर्जी ऑफ एशिया, फर्स्ट रैंक चाइना को मिली, इंडिया की पोजीशन 8th थी, जिसमें इंडिया को 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और ब्रॉन्ज मिले 30। तो आपको याद रखना है कि टोटल कितने मिले, टोटल 69 पदक मिले और रैंक क्या थी, 8th। अब कुछ एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। तो ऊपर आपने नीरज चोपड़ा, जिनसन जॉनसन, हिमा दास को पढ़ा, नीचे दो तीन नाम और है, सौरभ चौधरी, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। सौरभ चौधरी निशानेबाज से है, मेरठ से संबंधित है, इधर कई एग्जाम पूछा गया। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस ओपन जो कि सितंबर के महीने में होता है, नोवाक जोकोविच ने पुरुषों का खिताब जीता, और महिलाओं का खिताब एन ओसाका जीती जो कि जापान की है। ये पहली एशियन महिला है जिन्होंने यूएस ओपन जीता है, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में पूछा जाएगा। अंडर 20 फुटबॉल कप ये फ्रांस में हुआ और स्पेन ने जीता। तो कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज है, हम आपको धीरे धीरे और सारी न्यूज है, ये सितंबर महीने की कुछ न्यूज है, सितंबर और अक्टूबर की शुरुआत की, ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, कोई भी न्यूज बचेगी नहीं और आपको न्यूज मिलती रहेगी।